आज होने वाला दिवाली स्पेशल ब्लॉग। ये रहा मेरा लुक, किसकी ज्यादा चढ़ी है? मेरी भी। तो गाइज मेरा डेकोरेशन। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है, आज होने वाला दिवाली स्पेशल ब्लॉग। यस गाइज मतलब क्या है कि आज जो मेहंदी देख लो पहले गाइज, मैंने मेहंदी लगाया है स्पेशली दिवाली सूट के लिए। तो अभी दिवाली का जो बैकग्राउंड, मतलब दिवाली सूट के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो मैं आज क्रिएट करने वाली हूँ। यस गाइज उसमें क्रिएट करूँगी, उसके बाद वहाँ पे जो मेरे को वीडियो बनाना है वो करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहो। इस साड़ी मैंने निकाल लिया है, ये मेरी मम्मी पहनेगी और ये मैं पहनूंगी। तक गाइज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट कर लो, क्योंकि ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का। तो गाइज आज का जो डेकोरेशन करने वाली हूँ मैं इस दीवार पे करूँगी, और सोफ़ा जो है उसे यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, यहाँ पे करूँगी। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले करते हैं। तो गाइज चलते हैं, काम बहुत ज़्यादा है और मैं अकेले हूँ, मुझे सब अकेले करना है, कोई नहीं अभी मेरे साथ, मतलब सब अपने अपने काम में बिजी है। तो मैं हूँ, मम्मी है, तो हम लोग करेंगे आज, मेरे दोस्त लोग भी नहीं आ पाएंगे। इस यहाँ पे पहले जो ये सोफ़ा है इसे मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का किचन में रास्ता है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कर दूँ। बाकी ये जो है वाइट कपड़ा, ये वाइट पर्दा है ये, तो इसे मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। देखते हैं कैसा क्या होता है, फर्स्ट टाइम है, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पर देखते हैं, कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो करते हैं, आप लोग अगर ब्लॉग लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ, तो लाइक तो बनता है। तो गाइस चलते हैं फटाफट, पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये मेरे पापा का स्पेशली यहाँ पे रहता है, क्योंकि पापा का जो पैर है वहाँ पे वो अपने मालिश करते, तो इसी पे बैठ के करते, क्योंकि सोफे वगैरह पे ऑयल नहीं लगा सकते। तो ये मेरे पापा का, तो इससे शायद मतलब पड़ेगा। गाइज देख सकते हो मैंने ये पर्दा लगा दिया है, और ये फोटो उतना दिख के नहीं आएगा क्योंकि मुझे नीचे का ही लेना है। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, अभी और भी इस पे डेकोरेशन करना है। बाकी मम्मी कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। आज मम्मी भी रेडी होगी, बस मेरी मम्मी वन टेक में कर ले। तो गाइज इसमें मैंने कुछ ऐसे फूल वगैरह धो के रखे थे, तो ये आज मुझे काम आ गया। अक्सर ही हम लोग को गणपति में काम आता है, तो डेकोरेशन के लिए आज मुझे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका नहीं जरूरत। और इसे खोजने में मेरे को देखो कितनी पसीना आ गई, ऊपर रखा था जो फर्नीचर कराया उसके अंदर अंदर रखा था, तो इसे हो गया। अभी एक और मिला पर वो गंदा था, तो उसको मैंने बोला अभी वैसे रख दे, बाकी ये सब साफ साफ है, ये सब तो चलो लगाते हैं। तो गाइस मेरी बहन के राज में कुछ भी सामान कहीं नहीं रहता, मैंने इसमें बहुत सारे सेफ्टी पिन ला के रखे थे, और इसमें देखो बस 8 या 9 ही बचे हैं। तो आज वो आएगी तो उसको बहुत मस्त सुनाने वाली हूँ मैं। तो चलो काम शुरू करते हैं। डिजाइन में इसके ऐसे कर तो डिजाइन एक बन जाएगा तेरा, छोटा बड़ा नीचे कर और ज्यादा कुछ कर सकते ऐसे ऐसे। तो तेरा ये रेड वाला छूट जाएगा एक्टिविटी करने में, सुंदर नहीं दिखेगा, ऐसे सुंदर दिख रहा है एक्टिविटी करे जाते। मैं क्या बोल रही हूँ सुन, ऐसे लगा दे इधर, उधर का वैसे मोड़ के लगा दे,
फिर लाल और ब्लू अलग अलग। हाँ तो अच्छा क्या हुआ, कलर तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही कलर का सब। तो गाइस मेरा डेकोरेशन हो गया, कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। अभी यहाँ पे हम लोग साड़ी वाड़ी जो पहन के आएंगे तब आप देखना, और लाइट वाइट सेट होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था यहाँ पे लाइट वाइट भी लगाने के लिए, पर लाइट नहीं लगा सकते क्योंकि जो हमारे पास जो लाइट है वो कपड़े पे, और कपड़े पे नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सर मम्मी ने बोला रिक्स नहीं लेने का है। फिर सभी हो गया हमारा टी ब्रेक, अभी बाद चाय पियेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद वीडियो शूट करेंगे क्योंकि सुबह से मम्मी भी काम कर रही है, मम्मी भी थक गई है और मैं भी थोड़ा थक गई हूँ। तो फिर मैं चाय पीऊँगी। मैंने अभी खाया, मेरी बहन ने चावल को फ्राई किया था, पता नहीं कैसे, वो मैंने थोड़ा सा खाया दो चम्मच, और अभी चाय पीते हैं। तेरा मेरा चाय जी। हम लोग ने फूल निकाला है रंगोली बनाने के लिए, मम्मी कर रही है। मम्मी की मेहंदी ज़्यादा चढ़ी है, मेरे मामा दिखा देखो किसकी ज़्यादा चढ़ी है, मेरी बेटी। हाँ चलो किसी चीज़ में तो मानी। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं वीडियो बनाने शुरू करने। गाइज हो गई हूँ मैं रेडी, और पहला टेक मैंने ले लिया है दिवाली का जो भी वीडियो का था, और सेकंड टेक अभी लेना है, अभी लूँगी क्योंकि अभी मेरे पापा फ्रेश हो रहे हैं, वो चले जाएंगे, फिर सेकंड टेक लेंगे हम लोग। बाकी मैं कैसे लग रही हूँ कॉमेंट में बताना। पहली बार मैंने मेकअप थोड़ा ट्राई किया है करना, उतना मेरे को आता नहीं तो भी मैंने ट्राई किया है। तो गाइज ये है मेरे वीडियो का पहला क्लिप जो मैंने लिया था, बाकी मम्मी का भी ये है पहला क्लिप, और फाइनली ये है मेरा पूरा लुक। यस गाइज ये सेकंड क्लिप है मेरे वीडियो का जो कि मैंने लिया था, देख सकते हो पूरा तैयारी अच्छे से हो चुका है, और मम्मी का ऑर्गेनाइज बनी है। ए, मेरा सड़िया नीचे से सही कर मेरा कॉपी सब में मेरा कॉपी। फिर गाइज मैंने मम्मी का क्लिप लिया क्योंकि मम्मी का मैं सूची बना के हटा देती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं मेरा बनाती हूँ। तो मेरा ये सेकंड क्लिप था, थर्ड क्लिप था, फोर्थ क्लिप था, टोटल मैंने चार पांच क्लिप लिया था और मम्मी का एक क्लिप रह गया था। तो गाइज अभी मेरा दोस्त आ रहा है हमारा फोटो निकालने के लिए, मम्मी का फोटो वीडियो सब कुछ हो गया है, बस मेरे साथ फोटो बाकी है तो वो निकालेंगे। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज कमेंट में बताना, ये साड़ी मेरी भाभी। तो गाइज ये ब्लॉग की एंडिंग फाइनली आज मैं करने जा रही हूँ, एंड गाइज ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मैंने जोश में तो सब कर लिया, उस दिन मेरे को कुछ पता नहीं चला, पर आज सेकेंड डे है इतना मेरे को पता चल रहा है, इतना मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैंने कैसे कैसे ये ब्लॉग एडिट किया मुझे ही पता है। अकेले मतलब लोगों को वीडियो देखना एक ईजी लगता है, पर वो वीडियो हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हमसे पूछो। हमें मतलब पहले मतलब वो बैकग्राउंड देखना पड़ता है, वो कैसा प्रॉपर है क्या है, उसके बाद हमें ड्रेसिंग देखना पड़ता है, मेकअप से लेके कंटेंट सोचना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसको एडिटिंग करना पड़ता है, प्लस उसे फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, फिर वीडियो जा रही है नहीं जा रही है उसका अलग टेंशन। मतलब गाइज हमें मतलब हमारा ठीक है फ़ोन से काम है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। तो देखो आप लोग ये ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दो फटाफट, और लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। गाइज मिलते हैं ऐसे दिवाली के सेकेंड ब्लॉग, कल का भी एक ब्लॉग बहुत स्पेशल आने वाला है क्योंकि कल मैं कहीं जाने वाली हूँ, दिवाली से रिलेटेड है वो ब्लॉग। तो आप लोग ये पहले ख़त्म करो फिर कल देखेंगे। लव यू ऑल।